नमस्कार दोस्तों, आईटीआर फाइल करने से लेकर पैन कार्ड तक के लिए आधार कार्ड बहुत जरूरी है। बहुत सारी सरकारी योजनाओं में भी आधार कार्ड बहुत जरूरी होता है। आधार ऑनलाइन सेवाओं में भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका आधार कार्ड आपके पहचान पत्र की तरह काम करता है। हालांकि ऑनलाइन सेवाओं में आधार को वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसका मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना बहुत जरूरी है। आधार पर आपको ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे वेरीफाई करना है और इसकी क्या प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। इसे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड के आधिकारिक वेबसाइट uidi.gov.in पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप आधार कार्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको माई आधार सेक्शन में जाना है। उसके बाद आधार सर्विसेज के अंदर वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज कुछ ऐसा खुलेगा। उसके बाद अगर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। वैसे ही अगर आपको ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है तो वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, जिसको वेरीफाई करना है कि यह आधार नंबर आपके इस मोबाइल नंबर से लिंक्ड है या नहीं। तो दोस्तों, हम मोबाइल नंबर टाइप करते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको यहां पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे मेरा यहां पर कैप्चा गलत हो गया तो फिर से मैं ट्राई करता हूं और सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है कि मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाई है आधार नंबर के साथ। अब हम अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करके इसे चेक करेंगे। इसके लिए मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है जिसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आधार रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आपको एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर फिल करना है और फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होगा, जिसमें यह लिखा रहेगा कि दिया हुआ मोबाइल नंबर आपके दिए हुए ईमेल एड्रेस के साथ लिंक है या नहीं। अगर लिंक होगा तो यह बताया जाएगा कि दिया हुआ मोबाइल नंबर दिए हुए ईमेल एड्रेस के साथ ऑलरेडी लिंक है। वैसे ही दिया हुआ आधार नंबर दिए हुए ईमेल एड्रेस के साथ लिंक नहीं होगा तो यह मैसेज भी आपके स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी सभी तक पहुँच पाए। जय हिंद।